हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लासेस में हमने कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में पढ़ा था, यानी नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं ये हमने सीखा था पिछले क्लास में। अब उसी का यूज़ करके हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना सीखेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे कि ये सारे नंबर्स दिए गए हैं और इसमें कौन सबसे बड़ा होगा और कौन सबसे छोटा होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा इसमें, तो देखिए मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जिसमें सबसे कम डिजिट होगा जिस नंबर में वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये 3 डिजिट्स है, 4 है, ये 2 है और ये 5 है और ये 3 है। तो इसका मतलब ये जो है स्मॉलेस्ट हो गया, सबसे छोटा नंबर। ठीक है, उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर इसमें कौन है, तो देखिए इन सभी नंबर्स में सबसे ज़्यादा डिजिट्स इसके अंदर है, तो ये हो गया सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन है। तो सेकेंड क्वेश्चन में 3 डिजिट्स इस नंबर में है और इस नंबर में भी 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, बाकी सब में 3 से ज़्यादा डिजिट है, तो या तो छोटा ये होगा या फिर ये छोटा होगा। तो लेफ्ट साइड से पहला प्लेस 100 प्लेस है इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, 3 डिजिट है इसलिए, तो 100 प्लस पर जो नंबर है यहाँ 1 है और यहाँ है 3, तो 1 छोटा होता है, 3 बड़ा होता है, इसीलिए ये नंबर छोटा हो गया, 100 छोटा हो गया, सबसे छोटा नंबर इसके अंदर यही हो गया। और सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, तो इसमें 4 डिजिट्स है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखिए कि 3 डिजिट है इसमें और इसमें भी 3 डिजिट है। अब लेफ्ट साइड से पहला प्लेस है 100 प्लेस, 100 प्लेस पे यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर छोटा हो जाएगा, 1 छोटा होता है 4 से, तो ये छोटा हो गया, यानी स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा। उसके बाद सबसे बड़ा कौन होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट किस में है, इस नंबर में है, तो ये नंबर सबसे बड़ा हो गया, है ना। उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन में देखिए सबसे कम डिजिट 3 डिजिट्स इसके अंदर है, तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया ये। और सबसे ज़्यादा डिजिट्स किस में हैं, सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं इसके अंदर, है ना, इसमें 5 डिजिट हैं, बाकी इसमें 4 4 4 हैं, तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ये दिया गया है इसको प्रैक्टिस करना है, तो इसको भी बना लेते हैं। अब ए में सबसे छोटा नंबर कौन होगा, तो यहाँ देखिए अब क्या हुआ ना कि सब नंबर में डिजिट्स जो हैं इक्वल हो गए, 4 डिजिट इसमें, 4 डिजिट इसमें, सब में 4 4 डिजिट्स हैं। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से पहला प्लेस ये 1000 प्लस है, इसमें भी 1000 प्लस, ये भी 1000 प्लस, ये भी 1000 प्लस, 1000 प्लस पर सब में 4 है, तो इसलिए पता नहीं चला कौन सबसे छोटा होगा या कौन सबसे बड़ा होगा। अब देखिए 100 प्लस पे यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 सबसे छोटा होता है, है ना, इन सभी में 5 8 और 4 3 में 3 सबसे छोटा है, इसका मतलब ये नंबर सबसे छोटा हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। उसके बाद ग्रेटेस्ट कौन होगा, तो 100 प्लस पे ये 8 इसमें जो है सबसे बड़ा है, इन सभी में 100 प्लस इसका बड़ा है, तो इसीलिए ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें भी सब में 5 डिजिट्स है सभी नंबर में, 10000 प्लस पे 1 है सब में और 1000 प्लस पे 5 है सब में। ठीक है, 100 प्लस में इसमें 6 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 8 है, तो 0 वाला सबसे छोटा होगा, तो इसलिए ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया इसके अंदर। और सबसे ग्रेटेस्ट कौन होगा, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, तो 100 प्लस पे यहाँ 8 है, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया ये। उसके बाद इसमें देखिए सब में जो है 5 5 डिजिट्स है, अब 10000 प्लस पे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो पता नहीं चलेगा कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा है, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ भी 5 है 1000 प्लस पे, 100 प्लस पे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो अभी भी नहीं पता चला कौन सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा। 10 प्लस पे यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो 1 सबसे छोटा होगा, 10 प्लस का सबसे छोटा नंबर इसमें 1 है,
तो इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया ये। और उसके बाद और सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, तो टेंस प्लस पे यहाँ 8 है सबसे बड़ा, टेंस प्लस पे इसी का नंबर है तो इसीलिए सबसे बड़ा नंबर हो गया ये। अब लास्ट वाला क्वेश्चन में देखिए कि इसमें 4 डिजिट है, 5 है, 5 है, 5 है, तो ये डिजिट्स देखते ही हम समझ जाएंगे कि सबसे छोटा नंबर ये होगा, क्योंकि सबसे कम डिजिट्स जिसमें होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है, तो ये सबसे छोटा हो गया। अब सबसे बड़ा कौन होगा, इन सभी में 5 डिजिट्स है, तो 10,000 प्लस पे यहाँ 2 है, 2 है, 2 है, तो पता नहीं चला, यहाँ 1,000 प्लस पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो इन दोनों में से कोई बड़ा हो सकता है। अब 100 प्लस का देखिए 5 है, यहाँ 6 है, तो 6 बड़ा होता है, इसलिए ये नंबर हो गया सबसे बड़ा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर पता कर सकते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में बताया था, उसी का यूज़ करके हम लोग इसमें नंबर्स को ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर 6 से लेकर 10 तक आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 10 तक सभी क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस हमने शुरू कर दी है।